बंधुओं, आज अंतःकरण से एक आवाज उठी कि धर्म की जागृति के लिए, मानव कल्याण के लिए कुछ ऐसे वीडियो बनाए जाएं जिनसे मानव का उत्थान हो सके, मानव की आत्मा, मानव का मन निर्बलता को प्राप्त कर सके। और हिंदू ग्रंथों में जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका ग्रंथ सम्राट है श्रीमद् भगवत गीता। मेरे मन के भाव के अनुसार हर संस्करण में चार चार श्लोकों का निरूपण, उनका वर्णन संस्कृत श्लोक के द्वारा, हिंदी वर्णन के द्वारा और अंग्रेजी में उसके तथ्य को वर्णन करके लोगों तक पहुंचाया जाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन को अपने हितैषियों, संबंधियों को देखने के बाद मोह पैदा हो गया था, वो विमोहित हो गए थे। और वहाँ पर केशव ने जो उन्हें ज्ञान दिया था, उस ज्ञान का संपूर्ण विवेचन श्रीमद् भगवत गीता में किया हुआ है। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे और वो देख नहीं सकते थे। संजय को एक वरदान था कि वह किसी भी घटना को दूर बैठ करके देख सकता था, तो संजय को उन्होंने अपने नज़दीक बिठा रखा था और उनसे पूछा कि युद्ध स्थल में क्या चल रहा है उसे बताओ। तो सबसे पहले जो धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र उवाच, प्रथम अध्याय, फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता बिगिन्स हियर। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः, मामकाः पांडवाः च एव किम् अकुर्वत् संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एक होकर, एकत्रित तो होकर, इकट्ठा होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने इस समय क्या किया है? धृतराष्ट्र के मन में ये बात चल रही थी कि युद्ध स्थल में क्या होने वाला है, तो उन्हें संजय से पूछा कि इस समय युद्ध स्थल में क्या चल रहा है। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं जो सुसज्जित होकर खड़ी हैं, उसमें क्या गतिविधियां चल रही हैं? धृतराष्ट्र आस्क संजय, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र वेयर पांडवास एंड कौरवास अलोंग विद देयर ह्यूज सोल्जर्स
आर फेसिंग ईच अदर इन ऑर्डर टू पैसिफाई हिज क्यूरियोसिटी. संजय रिप्लाइड, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम् आब्रवीत्. दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम् आब्रवीत्. संजय ने उत्तर दिया, कहा, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे वचन कहा. दुर्योधन ने जब देखा कि पांडवों की विशाल सेना और व्यूह के साथ, व्यूह रचना के साथ सामने खड़ी है, तो उसे देखकर उसके मन में ये विचार आए कि इस सेना को पराजित करना आसान तो नहीं है. इसलिए उसने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कहा, दुर्योधन सा द इरेक्टेड आर्मी ऑफ वेल इक्विप्ड आर्मी ऑफ पांडवास विच वेयर वेरी नाइसली स्किलफुली अरेंज इन ऑर्डर. सीइंग दैट दुर्योधन approached Dronacharya and said, Pashy etam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyudham Drupada Putrena Tavasishena Dhimata. पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम चमूम शौल्य महतिम ग्रीट व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण विच इज प्रिपेयर्ड बाय स्किल्ड द्रुपद सन सना द्रुपद तव शिष्येण धीमता धीमता एड्रेस टू द्रोणाचार्य. हे द्रोणाचार्य, हे आचार्य, आप देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा पांडवों की विशाल सेना, महान सेना किस तरह से एक कुशल व्यूह में खड़ी की गई है और इनको किस तरह से पराजित करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह दुर्योधन ने अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कहा. सीइंग द ह्यूज आर्मी ऑफ पांडवास बीइंग इरेक्टेड वेरी स्किलफुली ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, द्रोणाचार्य वॉज अप्रोच्ड बाई दुर्योधन टू फाइंड द वे फॉर बैटलिंग फाइटिंग
द ह्यूज आर्मी ऑफ पांडवास। वॉट एग्जैक्टली द आंसर वॉज, वॉट टैक्टिस वॉज एडॉप्टेड। अत्र सूरा महिष्वासा श्री भीम अर्जुन समयुधि युयुधानो विराटः च द्रुपदः च महारथः धृष्टकेतुः च केदानः काशीराजः वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजः च शैव्यः च नरपुङ्गवः युधामन उधामन्युः च विक्रांत उत्तम औजाः च वीर्यवान् सौभाद्रः द्रौपदेयाः च सर्व एव महारथाः। अत्र सूराः महिष्वासा भीम अर्जुन सभा युधि यो युधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः धृष्टकेतुः च कीतानः काशीराजः वीर्यवान् पुरजित कुन्तिभोजः च शैव्यः च नरपुङ्गवः युधामन्युः च विक्रांत उत्तमौः जाः च वीर्यवान् सौभद्रः द्रौपदेनाः च सर्व एव महारथाः। उस सेना का वर्णन किया कि सेना में बड़े बड़े जो महारथी आए हुए हैं, कोई धनुधारी है, कोई गदाधारी है, कोई महारथी है, इनकी जो विराट सेना है उसमें हर क्षेत्र की पराक्रमी योद्धा हैं और ये सब के सब असाधारण महारथी हैं। इनका सामना करना कितना दुरूह काम है, कैसे किया जा सकता है। ऑन द बैटल फील्ड दुर्योधना सा ग्रेट भीमा हु वॉज एस्किल्ड इन मेस फाइटिंग, अर्जुना हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्चर, लाइक दैट विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकिता, काशीराज, परजत, कुंतीभोज एंड मेनी अदर वॉरियर्स वेयर प्रेजेंट इन द आर्मी ऑफ पांडवास विच वॉज बट स्केरी टू द कौरवास। These are the six slokas being explained in this episode. आज के संस्करण में केवल ये छह श्लोक। On the battlefield of Kurukshetra, the armies of two great enemies facing each other, Kauravas and Pandavas. The Dhritarashtra
was father of Duryodhana is listing the whole happenings on the battlefield right in the beginning. In this episode, I end with this. Next episode, the further slokas 6 to 10 will be explained for the benefit of the people who can avail the knowledge of Srimad Bhagavad Gita. Om Shubham Bhavet Kalyanam Sarvesham Iti Mama Ikshaam.